बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉन चिल्ड्रन अकेडमी स्टूडेंट्स आई विल टीच यू टुडे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 and 9. दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 2. स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/12 raised to the power 6. दिस मीन्स दिस पावर इज 6 इज फॉर बोथ 3 raised to the power 6 एंड 12 raised to the power 6. 3 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 12 को भी 6 मरतबा मल्टीप्लाई दीजिए. 6 मरतबा यूँ लिखिए और कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई दीजिए तो देखिए आपका क्या आ जाएगा नंबर 729 और ये नंबर आपका आया 29,85,984. This is our answer. Now question number 2. -12/5 raised to the power 5. This means -12 raised to the power 5 and -5 raised to the power 5. Write -12 5 times. And in denominator, write this 5. 5 times. Multiply 12 by 5 times. You will get this figure 248832. And multiply these 5s 5 times. And you will get 3125. Minus. Students, yaad rakhiyega ye cheez. कि अगर हमारी माइनस की साइन ब्रैकेट में है और ब्रैकेट पे पावर ऑड है तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा. ऑड उनको कहते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते. तो अगर पावर ऑड है और हमारी बेस माइनस की है तब हमारा आंसर माइनस का आएगा, ये याद रखिएगा. दिस इज़ अवर आंसर. Now question number 3, this power 6 is for both, that is A and B. This cannot be solved further. This is our answer. Question number 4, L/m raised to the power -3. We can solve it like this, L raised to the power -3 and m raised to the power -3. हम सिर्फ पावर हमने हमारी माइनस में थी, इसे प्लस करने के लिए l-3 को डिनोमिनेटर पे ले आए तो प्लस की हो गई और m raised to the power -3 डिनोमिनेटर पर था, न्यूमरेटर पर ले गए, ऊपर ले गए तो फिर ये पावर प्लस की हो गई. सिर्फ हमने ये पावर जो है इसका साइन हमारा चेंज हुआ, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर पे ले गए और डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर पर ले आए हैं तो पावर सिर्फ चेंज हुई है, उसका पावर की साइन चेंज हुई है सिर्फ, ये आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 8/3 a² b/3cd whole raised to the power -2. ये -2 सब की पावर है, सब जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये पावर सब की सब पे इस्तेमाल हम करेंगे. ये देखिए बच्चों, हमने ये सवाल उतारा है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं. हमारा सबसे पहला नंबर जो है 8/3, हम पावर चाहते हैं हमारी जो वो प्लस की हो जाए, इसलिए हम न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर पे ले गए और डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर पर ले आए. तो इस तरीके से हमारी जो पावर थी उसकी साइन चेंज हो गई. ये -2 था तो +2 में चेंज हो गया, 3cd न्यूमरेटर पर आ गया और 8a² b हमारा डिनोमिनेटर पे चला गया तो साइन चेंज हो गई पावर की और वो प्लस की हो गई, पहले माइनस की थी.
ये जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना नंबर है वो सब की पावर है ये। 3² c² d² / 8² अगर ब्रैकेट के बाहर पावर हो और हमारे नंबर पे भी पावर दी गई हो तो ब्रैकेट के अंदर का नंबर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस पावर 2। तो ए रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड बी रेज टू द पावर 2, और ये हमारी प्लस की है क्योंकि बाहर की पावर हमारी प्लस की हो चुकी है। 3² मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 8² मीन्स 8 8 = 64। c² d² / a 2 × 2 पावर इज 4 b² दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स आपको सवाल पढ़ना आ गया है, यहाँ पे भी देखिए पावर जो है 4 है, ये सब की है ब्रैकेट के अंदर पूरे नंबर जो न्यूमरेटर पे दिया गया है, जो डिनोमिनेटर पे दिया गया है, सब की पावर 4 है। तो लिहाजा हमने हर नंबर पे ये पावर अलग अलग इस पावर को हमने लिखा है। -3 raised to the power 4 x³ इसकी पावर अपनी 3 थी, क्यूब था, मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट की पावर जो थी 4 से मल्टीप्लाई दिया है। ब्रैकेट के बाहर की पावर अंदर के नंबर की पावर से मल्टीप्लाई देते हैं। x raised to the power 3 × 4 y 2 × 4 2 raised to the power 4 u raised to the power 4 एंड t raised to the power 4 -3 चार मरतबा लिखिए, मल्टीप्लाई दीजिए। x 3 4 = 12 एंड y 2 4 = 8 2 भी 4 मरतबा मल्टीप्लाई दीजिए डिनोमिनेटर पर, u4 t4। -3 को हमने मल्टीप्लाई दिया तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 81 x 12 y 8 न्यूमरेटर पर, और 2 को मल्टीप्लाई दिया तो हमारा आंसर आया 16 u raised to the power 4 एंड t raised to the power 4। बच्चों ये गौर करो, यहाँ पे मैंने पीछे बताया था पावर ऑड थी पीछे, यहाँ पावर देखिए ये बेस माइनस की है, पावर किसकी है, ऑड है कि इवन है, इवन है, 2 से डिवाइड जो हो जाए वो इवन है, इवन है तो जवाब हमेशा मैंने बताया था प्लस का आता है, प्लस का साइन, प्लस में हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आया, प्लस में आया। ये याद रखना, यहाँ पे जब पीछे सवाल में मैंने बताया था ऑड थी पावर तो माइनस का रहा था आंसर, और जब इवन होता है यानी 2 से डिवाइड देने वाला नंबर होता है तब फिर हमारी साइन प्लस में चेंज हो जाती है। यहाँ देखो कोई साइन इस्तेमाल नहीं हुई है, इसका मतलब यहाँ साइन प्लस की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ना सिखाया जा चुका है, इस पूरे नंबर की पावर 6 है। सॉल्यूशन में देखिए ये पावर 6 दी हुई है सबकी, और अब हम सबकी अलहदा अलहदा शो कर रहे हैं, हर एक की पावर ये 6 जो इसकी अपनी पावर पहले से थी उसको मल्टीप्लाई दे रहे हैं, पहले से जो थी पावर और ब्रैकेट के ऊपर दी गई पावर को मल्टीप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी। अब डिनोमिनेटर पे आ जाइए, सबकी पावर 6 डालिए, तो ये देखें 2 × 6, जिसके पास पहले से पावर 1 थी तो 6 × 6 ही रही, और जो पहले से पावर मौजूद थी तो वो 6 से मल्टीप्लाई देने के बाद आपको ये 6 मरतबा 2 लिखना पड़ा, और ये पावर्स को सॉल्व किया गया तो a raised to the power 12 एंड b raised to the power 6 4 = 24, b raised to the power 18 एंड c raised to the power 4 6 = 24। 3 भी 6 मरतबा आपको मल्टीप्लाई देना है, और आपके यहाँ l की पावर 2 × 6 12 आ गई है, v 6 एंड w raised to the power 3 × 6 = 18। आगे देखिए बच्चों, ये तमाम 2 जो 6 मरतबा लिखे गए थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, आप इसको मल्टीप्लाई करिए और देखिए आपका 64 आएगा, और नीचे जो आपको डिनोमिनेटर पर 6
थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और उन सबको मल्टीप्लाई करके देखिए उसका आंसर 729 आएगा, और जो पावर्स थी वो लिख दी गई, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, आपको पढ़ना सिखा दिया है। ये पावर स्क्वायर जो है न्यूमरेटर की भी है, डिनोमिनेटर की भी है। आप न्यूमरेटर के नंबर सबको अलग अलग लिखकर, और अगर उस पर पहले से पावर दी गई हैं तो उन पावर को ब्रैकेट पे दी गई पावर से मल्टीप्लाई दीजिए। डिनोमिनेटर पर भी आप सारी नंबर लिखकर जो उनकी अपनी पावर्स हैं वो, और ब्रैकेट पर दी हुई जो पावर है स्क्वायर्ड यानी 2, आप उससे मल्टीप्लाई दीजिए। 17 को आप 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 289, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर था ना, दो मरतबा मल्टीप्लाई आपने दिया है। इसके अलावा आप देखिए बी डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं है, वैसे ही ये सब अपने बी रेस टू द पावर 14 एंड सी रेस टू द पावर 10 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 6 एंड वाई रेस टू द पावर 4 ये हमारा आंसर है। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल पढ़ना आपको मैंने सिखा दिया है। इसकी पावर ब्रैकेट के ऊपर जो दी गई है वो क्या है, 3। जो इनकी अपनी पावर्स हैं आप उनको उन सब पर अलहदा अलहदा आपको शो करना है, ये क्यूब यानी 3 से मल्टीप्लाई देना है जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले ज़रा सा शॉर्ट कर लीजिए, ये 6 और 18 सॉल्व हो रहा है। 6 1 6 एंड 6 3 18, तो ये आ गया आपका 3 रह गया और 6 कैंसिल हो चुका है। अब सब जो पावर्स हैं इनको 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करके और हासिल कीजिए। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वाई मल्टीप्लाई वाई रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर्स को मल्टीप्लाई कीजिए सबको, और सॉल्व करने के बाद 3 क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 अपॉन एक्स रेस टू पावर 12 वाई रेस टू पावर 9 जेड रेस टू पावर 2 3 ज़ा 6 ए रेस टू पावर 2 3 ज़ा 6 सी 5 3 15 रेस टू द पावर 15 दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये सवाल देखिए, माइनस साइन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, और 5 के टेबल से इसको कैंसिल कीजिए। 5 1 5 5 6 30 पावर आपको यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होल जो नंबर है इस पर दी गई है स्क्वायर, लिहाजा जो इनकी अपनी पावर्स हैं उनको इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई दीजिए। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर दी गई होती है, ब्रैकेट के अंदर की जो दी गए नंबर होते हैं उनकी पावर से वो मल्टीप्लाई होती है। बच्चों इसमें ये देखिए, ये जो वेरिएबल है आप ये देखिए, इधर एक्स न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर पे भी है। अगर बेस सेम हो तो वो पीछे जो मैंने आपको तरीका समझाया था आप इसे हटाइए और इसकी पावर 3 ऊपर ले जाइए, न्यूमरेटर पर ले जाइए, 10 3 हो जाएगी। और वाई रेस टू पावर 8 है, यहाँ नीचे भी डिनोमिनेटर पे भी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ये पावर ऊपर पहुँचाइए तो 8 2 हो जाएगी, होल स्क्वायर अपनी जगह है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 3 इज इक्वल टू 10 एक्स रेस टू द पावर 7 5 1 5 5 6 30 6 एक्स रेस टू द पावर 7 वाई 8 2 इज इक्वल टू 6 एंड दिस पावर इज नाउ यू मल्टीप्लाई इट स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14 वाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 2 12 6 स्क्वायर मीन्स 36 6 6 36 एक्स 14 एंड वाई 12 वाई रेस टू पावर 12 दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पावर इज, सवाल पढ़ना आता है आपको, पावर क्या है -5। आप देखिए पहले ऊपर आपके ए क्यूब बी स्क्वायर और सी 6 है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर पे दिया गया है एक्स वाई जेड, और कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। 3 ए क्यूब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे कोई भी बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम नहीं है।
अलबत्ता हम ये चाहते हैं ये जो हमारी पावर है माइनस की है, ये हमने शो करी ऊपर के नंबर पे अलग-अलग, न्यूमरेटर पर अलग शो की है और डिनोमिनेटर पर अलग शो की है। हम चाहते हैं हमारी पावर जो है वो माइनस की ना रहे, प्लस की हो जाए। उसके लिए हमें ये पूरा नंबर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर पे लेके जाना पड़ेगा, तो हमारी पावर जो है वो प्लस की 5 हासिल हो जाएगी। और ये हमारा जो न्यूमरेटर पे नंबर है इसको डिनोमिनेटर पे लाना पड़ेगा, तो हमारी पावर 5 रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर 5। अब जो है आपको मल्टीप्लाई देना है पावर से, x रेज टू द पावर 5, y रेज टू द पावर 5 एंड z रेज टू द पावर 5। ये डिनोमिनेटर पे दिए हुए तमाम नंबर्स और उनके ऊपर जो पावर है, पावर से पावर को मल्टीप्लाई दीजिए। मल्टीप्लाई देकर आपको ये नंबर हासिल हो गया है, ये देख लीजिए, ये आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, सवाल पढ़ना आपको सिखा दिया है। अब पहले आप बेस चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम है m, n और p, तो लिहाजा सिर्फ पावर्स को सॉल्व कीजिए। पावर्स आप डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर पर ले जाइए, माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 2 m रेज टू पावर स्क्वायर है या 2, n रेज टू पावर 1 एंड p रेज टू द पावर 1 होल स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई देंगे, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर की पावर और अंदर की पावर मल्टीप्लाई दे दें, ये देखें मल्टीप्लाई हो रही है। और जिन पे 1 था पावर पर तो वो मल्टीप्लाई होके वही पावर आई है, हमारा आंसर आ गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, m रेज टू पावर 4, n स्क्वायर एंड p स्क्वायर इज़ अवर आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपके समझ में ये सवाल आ रहे हैं तो आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए डॉन चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत से बच्चों ने अक्टूबर नवंबर की फ़ीस जमा नहीं की है, ऑफिस में लाकर फ़ीस जमा कराइए।